सर देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा और शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा क्षेत्र से अरुण भारती को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें आपको कि चिराग पासवान ने अरुण भारती को सिंबल दे दिया है, अब जमुई से चुनाव लड़ेंगे अरुण भारती। दरअसल चिराग पासवान के भनोई है अरुण भारती और काफ़ी लंबे समय से चिराग पासवान के साथ नज़र भी आ रहे थे, अब उन्हें सिंबल दे दिया गया है। अब वो जमुई से चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसी कड़ी में अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी खुशी जाहिर की है, तो साथ ही साथ चिराग पासवान का आभार भी प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के द्वारा मुझे जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी का सिंबल प्रदान किया गया है। मैं पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं पापा जी द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर आगे बढ़ूंगा और चिराग जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अब की बार 400 पार के लिए अपना योगदान दूंगा। जमुई के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है कि जमुई लोकसभा की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी। तो वही इस कड़ी में चिराग पासवान भी बधाई देते हुए नजर आ रहे अरुण भारती को। बता दें आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल आईडी से अरुण भारती को बधाई दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 40 के प्रत्याशी घोषित होने पर श्री अरुण भारती जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही अरुण भारती को। तो वही अरुण भारती अब जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इससे कड़ी में चिराग पासवान का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान जमुई से सांसद है, इस बार उन्हें अपने पापा की विरासत यानी कि हाजीपुर सीट मिल गई है। हाजीपुर सीट की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान। तो वही एनडीए में जब सीट शेयरिंग हुई तब चिराग पासवान को 5 सीटें मिली है, जिसमें एक जमुई भी शामिल है। जमुई से पहले चिराग पासवान सांसद हैं और अब उन्होंने यह सीट अपने भनोई अरुण भारती को दे दी है। अरुण भारती अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जमुई से वो चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। तो वही चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान हाजीपुर सीट से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। हाजीपुर सीट से इस बार वो उतरेंगे, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।